नागपुर महानगर पालिका में 10 विशेष समितियों के चुनाव निर्विरोध रहे। 6 समितियों के सभापति व उपसभापतियों ने पदभार भी ग्रहण किया। मनपा मुख्यालय में पीठासीन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे की मौजूदगी में 10 समितियों के चुनाव संपन्न हुए। भाजपा से ही सभापति व उपसभापति पद के लिए नामांकन हुए, इनका चुनाव निर्विरोध हुआ। समारोह के बाद आयोजित पत्र परिषद में सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने कहा कि 10 में से 6 विशेष समितियों के सभापति व उपसभापति ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शेष समितियों का पदग्रहण समारोह 2 दिनों में होगा। चुनाव के बाद 6 समितियों के सभापति व उपसभापतियों ने पदभार ग्रहण किया। इसमें स्थापत्य समिति के सभापति राजेंद्र सोनकुसरे, उपसभापति निशांत गांधी, चिकित्सा सेवा व स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन, उपसभापति विक्रम ग्वालवंशी, शिक्षण समिति के सभापति दिलीप दिवे, उपसभापति सुमेधा देशपांडे, स्लम निर्मूलन व गृह निर्माण समिति के सभापति हरीश डिंकोडवार, उपसभापति रुतिका मसराम, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति दिव्या धरडे, उपसभापति अर्चना पाठक, कर संकलन समिति सभापति महेंद्र धनविजय, उपसभापति सुनील अग्रवाल ने पदभार स्वीकारा। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, उपमहापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके, विधायक कृष्णा खोपड़े, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, परिवहन समिति सभापति नरेंद्र बोरकर, उपनेता वर्षा ठाकरे आदि उपस्थित थे। विधि व सामान्य प्रशासन विशेष समिति सभापति मीनाक्षी तेलगोटे व उपसभापति वनिता दांडेकर, क्रीड़ा समिति सभापति प्रमोद तभाने व उपसभापति लखन येरवार, जल प्रदाय समिति सभापति संदीप गवई व उपसभापति सरला नायक, अग्निशमन व विद्युत समिति सभापति दीपक चौधरी व उपसभापति किशोर वानखेड़े चुने गए। इनका पदग्रहण होना अभी बाकी है। पाचपावलीमध्ये एकदम साफ सुथरं काम होतं। आम्ही प्रत्यक्ष त्यांच्याशी बोललो, जे रुग्ण होते त्यांच्याशी एकाचं म्हणणं होतं, सदावरचे म्हणून त्याचं म्हणणं होतं की साफ सफाई होत नाही। ज्यावेळी क्विक ऍक्शन घेतली आणि 10 मिनिटांमध्ये इकडे रिटर्न फोन आलं की तिकडे साफ सफाई चालू झाली। त्याच प्रकारे पाचपावलीमध्ये जो हे आपलं नर्सिंग होम आहे, त्या नर्सिंग होममध्ये 100 बेडचं ते हॉस्पिटल आहे, पण तिथे आपण इतकं छान इतकं सुसज्ज आहे आणि एकदम म्हणजे पाहायला गेलं तर त्या भागात साफ सुथरे सगळे व्यवस्था आहे, पण तिथलं लोक तिथे येऊन नाही राहिले कारण की तिथली ऍडव्हर्टाईज झाली। आता मी याच याच्यानी आपल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या याच्यानी जे हॉस्पिटल आहे त्याचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार कसा होईल आणि लोक तिथे जास्तीत जास्त कसे जातील या अनुषंगाने काम करणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपूर।